हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू ब्लॉग में। और हमने कल बताया था भाड़ा बांधने जा रहे थे, हमने भाड़ा बांध लिया है। ये रहा वो भाड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सही से। और गुम्बद तो तैयार हो चुके हैं, अब नीचे की दीवारें करनी है। और हम नीचे की दीवार आज घिसाई वगैरह करके और रिपेयर वगैरह करके उसके बाद उसमें प्राइमर वगैरह करके, पुट्टी तो हुई पड़ी है उसमें हल्की फुल्की रिपेयर करके और प्राइमर चढ़ा के दोबारा से और उसमें कलर करेंगे। आपको दिखाता हूँ मैं एक बार सही से। गाइस, ये जो दीवार है इसमें तो पुट्टी का घोल लगेगा और वो जो नीचे हुई पड़ी है वो देख रहे हो आप, उसमें रिपेयर वगैरह होके और कल प्राइमर लगाएंगे दोबारा से। और ये हमारा भाड़ा है, ये देखो हमने बांधा था कल शाम को। और वहाँ तक भी दीवार करनी है, उससे पीछे भी करनी है। तो बने रहेगा हमारे ब्लॉक में। आज तो मैं बहुत कम दिखा पाऊँगा क्योंकि आज मेरा दोस्त आया नहीं है, आज मुझे अकेला ही काम करना है। तो देखते हैं कैसे कैसे हम काम करेंगे, दिखाएंगे आपको पूरा, मिलते हैं आगे आपसे। तो गाइस, काम हमने कर दिया बंद क्योंकि शुक्रवार था, आज हमें नमाज पढ़ना था। तो अब हम आ चुके हैं बाहर घूमने के लिए और काम इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि शुक्रवार था, नमाज वगैरह पढ़ना था। तो हमने कहा चलो दोपहर तक करेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। तो अब हम आ चुके हैं खेतों के साइड घूमने के लिए और देख सकते हो आपको आज दिखाएंगे हम गन्ने की खेती होती है आगे, वहाँ पर हम जा रहे हैं अभी। तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस, हम गन्ने के खेत के पास पहुंच चुके हैं और सामने ही है, अभी गन्ना पूरा तैयार नहीं हुआ है सही से बन के, मतलब अभी मीठे नहीं लगेंगे खाने में। और हम पहुंच चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सामने से जाकर। तो गाइस, वो देखो सामने गन्ने लग रहे हैं, ये टोटली गन्ने के खेत हैं यहाँ से। और नीचे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा रखा है, इधर लगा हुआ है कुछ और वो सामने टोटल गन्ने हैं। उधर भी खेती हो रही है उस साइड। और ये छोटू हमारे साथ में आया हुआ है घूमने के लिए, किसी ने बताया गन्ने का खेत लगा हुआ उधर। और हम आएंगे अभी उधर, जाएंगे उधर घूम के आते हैं एक बार। गाइस, इधर आसपास खेत है और मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पे, सरसों का पेड़ लगा रखा है खेत में, तो हम उस साइड जाने वाले हैं। मैं एक बार उधर जाके दिखाता हूँ आपको। गाइस, ये देखो चने का खेत लगा रखा है, इसमें चने उगते हैं अभी तो छोटे छोटे से। ये देखो चने के पेड़ खेती के रखे, चने की सारी टोटल। और बगल में भी खेत है, एक बार मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। गाइस, ये सरसों का पेड़ है, छोटे छोटे से लग रहे हैं अभी तो। और ये देखो बगल में भी लगे हुए, बड़े सरसों के पास जाने वाले अभी हम। और गन्ने का खेत सामने है और इधर चने लगे हुए हैं, इधर सरसों का पेड़ लगा हुआ है। देखो गाइस, ये रहा सरसों का खेत, यहाँ पे से सरसों का मतलब किसान लोगों ने खेती कर रखी है। और आपको फूल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख ही रहे होंगे थोड़े बहुत, तो आगे से दिखाता हूँ मैं जाके। और ये गाइस खजूर का पेड़ लगा हुआ है, ये देखो गाइस सरसों का पेड़ इधर भी लगे हुए हैं। पौधा बोल दो, खेती कर लो, कुछ भी बोल दो, सब चलेगा अभी है ना, खेती किया हुआ है। हाँ, इधर भी खेत हैं, इधर भी लगा रखे हैं, बाकी तो सारे खेत सूख रहे हैं इस टाइम। बाकी देखो आगे और बड़े बड़े लग रहे हैं, हम उधर जाएंगे अभी। तो गाइस, अभी हम बड़े सरसों के पेड़ के पास जा रहे हैं, अभी छोटे छोटे से पेड़ लग रहे हैं देखो पीछे मेरे। और अभी जहाँ बड़े पेड़ लग रहे हैं उधर मैं उधर जाने वाला हूँ, आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो गाइस, हम आ चुके हैं बेर के पेड़ के पास और ये देखो बेर हमने अभी एक तोड़ा है और अब मैं तोड़ने जा रहा हूँ इस पेड़ में से। गाइस, मैं बेर तोड़ने के जा रहा हूँ, अब ये पत्थर ले लिए मैंने दो और देखता हूँ कितने बेर टूटते हैं इसमें से। हाँ, दो तीन गाइस टूट चुके हैं, एक पत्थर और चला के देखता हूँ। तो गाइस, दो तीन बेर टूट चुके हैं, अब ये हरे हरे पर पता नहीं मीठे है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ एक बार, थोड़े बहुत मीठे हैं। ओके गाइस, आगे मिलते हैं आपसे। गाइस, आ चुके हैं हम सरसों के खेत के पास और ये देखो सरसों का पेड़ लगा हुआ है इधर, और इधर भी खेती हो रही है। और हम अभी आगे जा रहे हैं, चालू रखें। गाइस, इधर भी सरसों की खेती हो रही है और देखो कोई मना नहीं करता, तो हम और दिखाते हैं आपको। इसमें से भी गाइस थोड़े थोड़े पेड़ हो रहे हैं सरसों के, बाकी पीछे हो रहे हैं इधर उधर।
ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर और निकल चुके हैं यहाँ तक, और अब हम लोग इधर से जाएंगे रास्ते से। तो टल्ली सरसों के पेड़ लगे हुए और ये प्याज लगे हुए हैं, ये प्याज के पेड़ हैं गाइस, ये देखो ध्यान से। और देखो गाइस इसमें से निकलते हैं सरसों, इसको तेल बनाया जाता है बाद में। नहीं सरसों का पेड़ है, हाँ ये गाइस गेहूं का पेड़ है, ये देखिए, ये देखो गाइस गेहूं का पेड़ ये है, और सरसों का पेड़ आपने देख ही लिया होगा, इसमें से सरसों का पेड़ निकलता है। देखो छोटे छोटे से सरसों निकलते हैं इसमें से, और इसमें से जब ये अच्छे हो जाते हैं तो सुखा के इनको तेल बनाया जाता है। और हम लोग निकल रहे हैं गाइस बाहर, और ये देखो क्या चीज़ का पेड़ है, गोभी का। तो गाइस देखो गोभी का पेड़, ये देखो गोभी दुबका हुआ है अंदर, और हम जा रहे हैं गाइस बाहर, इसमें भी देखो गोभी इसमें भी लगा हुआ है, दुबके हुए हैं अभी अंदर। और इधर भी गाइस मटर लगे हुए हैं, ये देख सकते हो गाइस मटर, ये देखो ये मटर की खेती हो रही है इधर, देख सकते हो गाइस। हम बाहर जा रहे थे तब तक हम और कुछ दिख गया, तो हमने देखा सोचा दिखाई देते हैं गाइस आपको, मटर वगैरह की खेती गोभी की हो रही है, ये देखो। तो गाइस हम जा रहे हैं बाहर, आपको दिखा दिया बहुत सारी खेती हर प्रकार की, उधर बैंगन लगे हुए हैं गाइस। तो मिलते हैं आपको बाहर गाइस, सब दिखा चुके हैं हम आपको सब्जियों के पेड़, और हम जा रहे हैं बाहर यहाँ से, और अब बाहर निकलने वाले। देखो अंकल जी का खेती है, यही अंकल जी खेती करते हैं यहाँ पर, ये देखो पीछे खड़े हैं जो, और अब हम जा रहे हैं गाइस बाहर, आपसे बाहर मिलते हैं गाइस। देखो वो रही भेड़िया, जिसे भेड़िया बोलते हैं, देखो देखो वो खेत के साइड चला गया। हम लोग बाहर निकल रहे थे तो हमें दिखाई दिया, तो हमने ब्लॉग पर ऐड कर लिया इसको भी। तो गाइस शाम हो चुकी है और यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर सकता इस ब्लॉग में, इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय।